ओवैसी को देंगे इंशाल्लाह, हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। अभी तक तो हम ठगे ही गए हैं, अब देखो क्या होता है, ओवैसी साहब को कर देंगे कैसे। ठगे गए मतलब? भाई अखिलेश ने भी ठगाई है, किसी के मुद्दे पे ही नहीं बोलता, जो मुसलमान की परेशानी हो रही है कभी नहीं। इसका तरीका और कोई तरीका नहीं, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी के एजेंट है ओवैसी? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सोचे लोग कुछ कहते हैं, ये कोई इनकी सोच ऐसी है, बीजेपी का पक्का एजेंट है, साबित कर दीजिए। बिहार में कर रहा था विधानसभा के चुनाव में, 10 बार सीट हरा दी थी, 19 में 3 सीटें लड़ी थी, बाकी में जो है कहाँ लड़े थे? कहीं भी नहीं लड़ा, कहाँ लड़ा बताओ, कहीं है कहाँ थे? गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? अखिलेश को तो देने दी। अच्छा, नहीं और सबको दे देगी तो इनका मन है, हमारा तो मन है नहीं। आप क्यों नहीं देंगे? बस अखिलेश को नहीं देने, और किसी को भी दे देंगे। अपना रहबर खुद चुनने का हक हमारा है, इसी बात पे मैं कहना चाहता था। तो राहुल गांधी और अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, अगर गठबंधन में आते हैं ये तो, और ओवैसी कह रहे गठबंधन में 5 सीटें दे दो, वो तो तैयार नहीं हो रहे। नहीं देंगे तो फिर अपना बल बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, ओवैसी जी को साथ जाएंगे उनके। आप बल बनाएंगे इस बार? हाँ जी, मुस्लिम जब तक अपना बल नहीं बनाएगा तब तक ऐसे भटकता रहेगा। हमारे मुस्लिम लोग जो है कब समझेंगे, इससे तो बीजेपी को और तो सीधे ही जब अच्छा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2024 में ये किस तरफ जाएंगे, क्या ये अखिलेश और राहुल के गठबंधन की तरफ जाएंगे या फिर जो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में और खासकर बिजनौर सीट पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या उस तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट अधिक संख्या में है, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर कोई और पार्टी। उन्होंने मुसलमान उम्मीदवारों की अनदेखी की है, 2019 में भी इन लोगों का मानना था कि अनदेखी की गई है, तो इस बार ये क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है? सादिक कुरैशी। सादिक साहब, चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम विकास के मुद्दों पर वोट देंगे। हाँ। अभी तक तो हम ठगे ही गए हैं। हाँ। अब देखो क्या होता है, ओवैसी साहब को कर देंगे कैसे। ठगे गए मतलब? भाई अखिलेश ने भी ठगाई है, किसी के मुद्दे पर ही नहीं बोलता, जो मुसलमान की परेशानी हो रही है कभी नहीं बोलते। अखिलेश यादव तो बड़ा दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। दावे तो कर रहे हैं। हाँ। बहुत लोगों को परेशानी हुई है इनसे। हाँ। ओवैसी को देंगे इंशाल्लाह। ओवैसी को क्यों देंगे? हमारा मन कर रहा है, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, इनका दर्द है दलित का, मुसलमानों का। पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव कहते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी मोदी जी भी कहते हैं पढ़े लिखे हैं, ओवैसी साहब से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो बिजनौर की जनता ओवैसी साहब को चुनेगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। अच्छा, मन बना लिया है? मन बना लिया है। अच्छा, इससे पहले जो है सपा और कांग्रेस को देते आए हैं? देते आए, ठगाई हुई है। अच्छा, क्या नाम हुआ आप? मुहर्रम अली। मुहर्रम साहब, क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है, और आज जो है ऐलान हो गया चुनाव का, तो क्या लग रहा है इस बार जो है किसका मुकाबला रहेगा? सर देखिए, हमारा जो क्षेत्र है ये बहुमूल्य क्षेत्र, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र, और इसमें विकास की सबसे बड़ी धारा है, तो विकास का ही मुद्दा होगा। भाई हमारे बच्चों के लिए क्या हुआ, हमें पढ़ाई के लिए क्या हुआ, व्यवस्था के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करे, किसके लिए करे, क्या करे, ये भी इन मुद्दों पे ही वो चुनाव। विकास हुआ है? विकास तो ऐसा कोई खास कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर किसे चुनेंगे? देखे जी, सीट निकलती हैं, कौन कौन आते हैं, क्या बनता है। समाजवादी पार्टी ने यशवीर साहब को टिकट दिया, जानते हैं? यशवीर जी का यहाँ कुछ नहीं होना। अच्छा, यशवीर जी का कुछ नहीं होना, जानते हैं उन्हें आप? यशवीर को? हाँ। पहले वो आए थे हमारे यहाँ। अच्छा। सटले में आए थे पहले। हाँ। कोई खास वो नहीं, वो तो कह रहे मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर AIM में बिल्कुल पक्का AIM में, तो फिर किसे चुनेंगे आप? सर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो वैसे भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल्य है, ओवैसी की ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ओवैसी जी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, यहाँ ही नहीं सभी जगह, दलित भी, मुसलमान भी, वगैरह वगैरह, हिंदू बिरादरी के लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ओवैसी, आपको लग रहा है कि ओवैसी होंगे अब? कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम मुसलमानों के बहुत अच्छे हैं। समाजवादी का तो पश्चिम में धारा खत्म होती जा रही है। अच्छा, क्यों? क्यों, क्योंकि एक मुस्लिम समाज से वे थोड़ा एक हट के वो कर रहे, हट गए हैं मुस्लिम समाज से समाजवादी, थोड़ा सा मेरा अपना नज़रिया है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ आजम खान है, गुड्डू जमाली है, सब खान को तो मरवा दिया उन्होंने। हाँ,
जेल में है ना। हाँ तो उन्होंने उन्हीं का काम है, किसी मुसलमान के मुद्दे पे बोलता ही नहीं अखिलेश। और अब देख लो टिकट दिए उसने, कितने दिए मुसलमानों को, एक भी नहीं दिया। कहीं बोलता ही नहीं मुसलमानों के ऊपर कहीं भी। आपको क्या लग रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अब इनकाउंटर हुए हैं मुस्लिम समाज के बहुत ज़्यादा, और एक साइड ही बात हुई है, तो इनकाउंटर पे किसी भी पार्टी ने चुप्पी साधी रखी है और कोई भी जिक्र नहीं किया इस बात में। अब जैसे इलेक्शन का टाइम आया है तो कोई मुद्दा नहीं है, मुस्लिम का उत्पीड़न हुआ है, कोई नहीं बोला, तो अपना रहबर खुद चुनने का हक हमारा है। इसी बात पर मैं ये कहना चाहता था। तो राहुल गांधी और अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, अगर गठबंधन में आते हैं ये तो और ओवैसी करे, गठबंधन में 5 सीटें दे दो, वो तो तैयार नहीं हो रहे। नहीं देंगे तो फिर अपना बल बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, ओवैसी जी को साथ जाएंगे उनके। आप बल बनाएंगे इस बार? हाँ जी, मुस्लिम जब तक अपना बल नहीं बनाएगा तब तक ऐसे भटकता रहेगा। आपको क्या लग रहा है भैया? राजनीति के बारे में जानता नहीं जी। विकास वगैरह हुआ आपका? हाँ, हमारा विकास तो कोई खास नहीं हुआ जी। अच्छा, गांव में जाके देखो तुम, सारी सड़कें टूटी पड़ी। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास ही विकास हो गया। अरे कहीं विकास नहीं है, बस नाम का ही विकास है जी। अच्छा जी जी, तो फिर किसे चुनेंगे आप? हम जी ओवैसी को चुनेंगे जी। ओवैसी को चुने क्यों जी? बस ओवैसी अपना तो है, अपना ठीक ठीक लीडर है, बोल तो ले हमारे बारे में कुछ हमारा था। अच्छा जी, ओवैसी बोल लेते जी। और अखिलेश? अखिलेश ने तो आजम खान को मरवा दिया जी। अच्छा, और जी ओवैसी क्यों? ओवैसी बता तो आपसे बोल ले अगर हमारा था मुसलमान के नाम से कुछ थोड़ा बहुत। हाँ। अब आजम खान आजा, अब देखिए रमजान आ गए, इफ्तारी देंगे, इफ्तारी नहीं खाएंगे? नहीं, इफ्तारी तो हम खुद कर रहे हैं जी, अपने पैसे से। हाँ। उसके पैसे से निकलने के पे भी कर रहे हो आप। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हाँ क्या लग रहा है आपको? हम तो गठबंधन को देंगे, गठबंधन को देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में क्या बताओ? ये तो कह रहे हैं ओवैसी का इंडिया झूठ बोल रहे सब। अच्छा, सब झूठ बोले जितने के सर झूठ। क्या एक बेग विधायक कोई बताओ तो उसे क्या है इसका यहाँ? अच्छा नहीं, ओवैसी जी का ये सब कुछ जो कुछ भी है ओवैसी का ही है और कुछ नहीं, किसी का नहीं है। नहीं, 4000 वोट कटेगा, छुट्टी जो करेगा। हाँ। यो है इसका तरीका, और कोई तरीका नहीं। बीजेपी का एजेंट है? बीजेपी का एजेंट है ओवैसी? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है ये, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सोचे लोग कुछ कहते हैं, ये कोई इनकी सोच ऐसी है। बीजेपी का पक्का एजेंट है, साबित कर दीजिए। बिहार में कर रहा, विधानसभा के चुनाव में 10-12 सीट हरा दी थी। 19 में 3 सीटें लड़ी थी, बाकी में जो है कहाँ लड़े थे? कहीं भी नहीं लड़ा। कहाँ लड़ा बताओ, कहीं है कहाँ थे? गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? अरे लगे ही नहीं उसकी उसकी बात ही ऐसी। मुस्लिमों की जो वोट ले आए मुस्लिमों की, वे खुद बीजेपी पे पहुंच गए। अब ओवैसी साहब ने बैतुल्ला को पकड़ के कहा था कि मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ। अब जो मुसलमान है वो यकीन करेगा इस बात पे, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, फ्रीडम है इंसान। और जिन यहाँ लोकदल थी, राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने चंदन चौहान को दिया था। हाँ। चंदन चौहान मुसलमानों ने फुल सपोर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, वे खुद बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में जो वोट कटवा बोलते हैं ये ओवैसी वाली पार्टी को, लेकिन खुद वोट कटवाए, ये कहाँ चले गए? अशरफ चला गया, अशरफ ने पूछा तुम्हारे से, गुलाम मोहम्मद ने पूछा तुम्हारे से, वो तो मुस्लिम था, उसने पूछा, तो फिर चंदन क्यों गिन रहे हैं आप? वोट कटवा कैसे? वोट भैया यहाँ तो गठबंधन देखा, गठबंधन के वोट सबसे गुस्सा क्यों है आप? नहीं गुस्से नहीं है, जब कुछ है ही नहीं पास, क्यों हम मकान क्यों वोट का नाश करना बेकार है? जब वोट ही नहीं देना ना इनके पास। ये भैया कह रहे हैं कि अखिलेश जो है मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे, तो 5-2-4 हज़ार वोट कटेगा और कुछ नहीं। अरे चलिए वो ऐसी छोड़िए, अखिलेश यादव मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे भैया कह रहे हैं। कौन कौन करा दे रहे बताओ, कहाँ नहीं दिया, क्यों दिया, कहाँ कहाँ दिया है? अब रहे में किसे, वहाँ कौन है, कहाँ दिया, इसे नहीं दिया गया, कहाँ दिया इसके? अरे जो अभी इनका इंतकाल हुआ एमपी जो थे वे, अरे तो एक ही टिकट दे दिया। नहीं, एक क्यों है और है? अच्छा भैया आपको क्या लगा? अखिलेश को तो देने दीजिए। अच्छा नहीं, और सबको दे देंगे, ये तो कह रहा अखिलेश को, तो इनका मन है, हमारा तो मन है नहीं। आप क्यों नहीं देंगे? बस अखिलेश को नहीं देने, और किसी को भी दे देंगे। अखिलेश से नाराज क्यों है? बस है जी, अपनी अपनी सबकी राय है, और क्या रखा है बताओ बस। ये कह रहा अखिलेश ने तो मुसलमानों को परेशान कर दिया भाई, इनकी मर्जी है, परेशान क्यों कर दिया, कहाँ कर दिया परेशान बताओ, कहाँ करा परेशान? 14-15 अब देख लो, विधायक कितने मुस्लिम? हाँ। कितने विधायक मुस्लिम? समाजवादी पार्टी में 37 है। हाँ। है क्या 37? क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं? कौन सी पार्टी में? और बताओ कौन सी पार्टी में? तो अखिलेश कह रहे हैं MY का मतलब जो है महिलाएं और यूथ है। क्यों यूथ की आवाज किसी ने दे रहा मुस्लिम को टिकट? 37 विधायक मुस्लिम है नहीं क्या? 80
जो विधायक है शायद, इस पर क्या कर रहे हैं, बोलते ही नहीं कुछ। देखो जी युवाओं ने उसके हाथ में है मुट्ठी, उनको वहाँ बैग बैठा हो तू बोल, अरे बना के भेज दे, बोल लेके जाके युवाओं ने मन बना चुका है अपने, जो मुस्लिम युवा है वो ओवैसी के साथ है। आप जवानी कुर्बानी करेंगे? नहीं, जवानी कुर्बान क्यों करेंगे, हम अपने भाई के लिए करेंगे अगर करनी है तो। 2022 में 2019 में हर बार मुसलमान ठगा गया है तो क्या फायदा, अपने को जिताएंगे ना, तो इस बार जवानी कुर्बान करवाएंगे। अरे कोई ठगा नहीं करा ना, बकवास है, जवानी कुर्बान करवाएंगे। सर बीजेपी को दे दो, बीजेपी को जो देगा वो बीजेपी को वोट देगा। अच्छा ठीक है, और समाजवादी को देगा? वो सपा को देगा, गठबंधन को देगा। अच्छा, सारे समाजवादी तो बीजेपी में भाग गए ना। कौन भाग गया बीजेपी में? सारे समाजवादी वाले जो जितने भी थे वो सब समाजवादी। और भी लोगों, चाचा आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमें नहीं पता भाई, हमें इतने बड़े मंत्री नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो कह रहे हैं कि जवानी फिर कुर्बान करेंगे अखिलेश पे। ये सब बेकार की बकवास बातें हैं, कुछ नहीं। हमारे मुस्लिम लोग जो है कब समझेंगे, इससे तो बीजेपी को और तो सीधे ही जब अच्छा है। ऐसे आवेगा, वैसे आवेगा, बिल्कुल आवेगा, मुसलमान है अपना भाई है। अरे वो भाई नहीं, अखिलेश भाई नहीं है? नहीं हमारा तो नहीं है अखिलेश, अगर हम तो मुसलमानों के दोस्त हैं। सभी तो योगी भी कहवा, मोदी भी कहवा, फोन भी आया था पर चंदन चौहान का, कोई मीटिंग कर लिया, करते नहीं भाग। अच्छा हाँ जी, तो पक्का मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया, पक्का, बिल्कुल ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया। अच्छा जी, सपोर्ट करता है। अच्छा, और अखिलेश यादव? नहीं जी, उसके साथ नहीं। अच्छा हाँ जी, मुसलमान के बारे में कुर्बान नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, गठबंधन को तो देनी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, इंशाल्लाह ओवैसी को देंगे बस, और किसी को नहीं। तो देख सकते हैं आप जो है ये बिजनौर लोकसभा सीट के जो है एक गांव था जटवाड़ा, यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने कहा है कि ओवैसी को इस बार वोट देंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव को वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी और बिजनौर लोकसभा सीट पर किसको चुनने वाले हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर